अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनका प्रोटोटाइप वाइवा होना है, और वो स्टूडेंट्स जो इस सेमेस्टर में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पिक करने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। बेसिक वीडियो उनके लिए है जो अपना प्रोटोटाइप वाइवा देने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का हो चुका है प्रोटोटाइप वाइवा और कुछ का होना बाकी है। तो ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो प्रोटोटाइप वाइवा है, जिन्होंने प्रोटोटाइप वाइवा देना है, ये मेरी वीडियो उनके लिए है। अगर आपका हो चुका है या अगर आपका नहीं हुआ, वट एवर, ये वीडियो यहीं पर रहेगी, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी हेल्पफुल है। और बाकी जो लोग, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, या जो अपकमिंग जो सेमेस्टर है, जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, वो लोग पिक करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मेरा बेसिक वीडियो बनाने का मकसद या रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए हेल्प हो, उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो जो बेचारे न्यू एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो जिनको लगता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है वो बहुत बड़ी बला होता है। वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और किस तरह उनको टैकल किया जाता है। मतलब हर एक स्टूडेंट्स के जहन में होता है ना, बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। मोस्टली लड़कियों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन ये पाई जाती है कि हम वाइवा किस तरह देंगी और इंस्ट्रक्टर क्या कहेगा, किस तरह कहेगा, क्या नहीं कहेगा। मतलब ये सारे आपके सवालात के जवाब बाद में यहाँ पर आपको दूंगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के वाइवास मैंने क्लियर करवाए हैं, उनको गाइड किया है, उनको वाइवास क्लियर करवाए हैं, और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और वैसे तो मैं देता हूँ पैसे इस बात के, लेकिन आपके लिए ये वीडियो फ्री बना रहा हूँ मैं। तो देखें, सबसे पहले तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, स्पेशली मैं लास्ट वीडियो मैंने फोकस किया था अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट है आपका, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का है, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चाहे वो पाइथन का प्रोजेक्ट है, वट एवर, डजंट मैटर कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, आपने सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने ऐसे बिहेव करना है कि आपको ए टू जी हर एक चीज़ आती है, आपको ए टू जी हर एक चीज़ आती है। आपने इस बारे में या इस बात में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी खुद में कि आपको कुछ नहीं आता, या जो आपका सुपरवाइज़र है वो कुछ पूछ रहा है तो आपने कंफ्यूज होकर नहीं बैठ जाना। आपके ठक से आपने जवाब देना है, जैसे मतलब क्या कहते हैं, रैपिड फायर में जिस तरह क्वेश्चन पूछने और ठक से जवाब आता है, तो आपने मतलब जिसको सवाल करे उसको सवाल पूरा ख़त्म ना हो कि आपका आंसर उसके मुंह पे जाके लगे। मेरी बात को समझ आ रही है? उसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ना हो, आपका जो आंसर हो उसके मुंह पे जाके लगे, उसके कानों पे जाके लगे कि इस बंदे को पता है उस चीज़ का और ये बंदा तैयारी करके आए। पहली बात ये तो हो गया आपके बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरह होनी चाहिए। अब आ जाएं कि आपने करना क्या है जब आपने वाइवा के लिए बैठना है। तो सबसे पहले आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपका नेट का कनेक्शन बहुत बेहतर होना चाहिए, आपके पास स्काइप की आईडी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हों, दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने आपका जो प्रोजेक्ट है ज़ैम्प सर्वर ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को आपने मतलब खोल के बैठ जाना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को बैठकर आपने खोल कर बैठ जाना है, जिस तरह आप नॉर्मली कोई भी वेब ब्राउज़र खोल के बैठ जाते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन खोल लेते हैं, वैसे ही आपने ज़ैम्प सर्वर के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को खोल लेना है। ठीक है, पीएचपी में एडमिन जाके आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके बैठ जाएँ, तो उसके जो भी कोड्स की फाइल हों, जहाँ कोड लिखा हुआ होता है आपका, एक तो आपने आउटपुट ओपन कर ली, दूसरा जहाँ पे वो उसके सोर्स कोड जहाँ पे आपने रखा हुआ है वो सोर्स कोड वाली फाइल भी आपने ओपन करके बैठ जाएगी। मेरी बात की समझ आ गई? एक आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके बैठ जाना, उसकी फाइनल आउटपुट जो आपने तैयार की है आपने उसको ओपन करके बैठ जाना, उसके बाद जो आपको सोर्स कोड है जहाँ आपने कोडिंग की हुई है, चाहे वो HTML की फाइल है, चाहे वो CSS की फाइल है, CSS फाइल है, चाहे वो पाइथन की कोई फाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फाइल है, जिस लैंग्वेज में आपने वो फाइल लिखी है उस लैंग्वेज को, चाहे वो कौन सा कंपाइलर है, चाहे वो विजुअल बेसिक है, चाहे वो ड्रीमवीवर है, जहाँ भी आपने उसको लिखा हुआ है आपने वो भी फाइल साथ में ओपन करके बैठ जानी है।
यहाँ तक इस बात को अपने सही से फॉलोअप करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ऐसा नहीं करना कि वो आपको कहे कि जी चलो मुझे रन करके दिखाओ, आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास वो ऑलरेडी फाइल खुली होनी चाहिए, जब वो आपको कहे कि आप दिखाएं आपका प्रोजेक्ट का जो होम पेज है, जो आपको प्रोटोटाइप है में जो जो आपने प्रेजेंट करना है वो दिखाएं। आपने बेसिकली होम पेज प्रेजेंट करना होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसका होम पेज, या आपका जो वेब एप्लीकेशन है वट जो भी उसका होम पेज कैसा होगा वो आपने दिखानी होता है। फिर वो आपको नॉर्मली, मैं अब आ रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ, जो वो नॉर्मली जो इंस्ट्रक्टर आपसे क्वेश्चन करता है, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने क्या कहते हैं अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले, इंस्ट्रक्टर को मैसेज करने से पहले करके बैठनी है। क्या क्या करना है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो आपके पास अच्छा कैमरा, अच्छा लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन अच्छा उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो प्रोटोटाइप फाइल है उसकी आउटपुट आपके ओपन होनी चाहिए, उसकी सोर्स कोड की फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास बेहतरीन ओपन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपकी ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएं, और हाँ आपने ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले, ठीक है 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपने आपका जो वाईवा का टाइम हो, मैं ये बात बताना भूल गया पहले, आपका वाईवा का टाइम उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपने मतलब प्रिपेयर होकर बैठ जाना लैपटॉप के सामने या पीसी के सामने, वट एवर आप जहाँ भी बैठे हो, अपने फुली प्रिपेयर होकर बैठ जाना है कि मैं वाईवा देने जा रहा हूँ। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो वाईवा का, आपने स्काइप पर आपका जो सुपरवाइजर उसको आपने करना है मैसेज। ये काम जो मैंने पहले बताया, ये सारे काम करके बैठने हैं, फिर उसके बाद आपने करना है अपने सुपरवाइजर को मैसेज कि सर मेरा वाइवा है, या मैं मेरा वाइवा है तो मैं वाइवा देने के लिए रेडी हूँ। जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, पहला जो डायलॉग आपने बोलना है कि अस्सलाम वालेकुम मैम या सर जो भी हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये आपने पहला क्वेश्चन, ये आपने पहला डायलॉग ये आपका होगा। उसके बाद जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है सुपरवाइजर की तरफ से, वो ये आता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आपने क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो आपका जो भी प्रोजेक्ट हो वो आपने बताना है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाया है या इंडिविजुअल बनाया है। अगर आपने प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाया हो तो आपने बताना है कि मैंने ग्रुप में बनाया है, ठीक है। अगर आपने इंडिविजुअल बनाया हो तो आपने बताना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बनाया है, पहली बात। दूसरी बात जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में है क्या क्या, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में है क्या क्या, अब आपने वो बताना है। लेट्स सपोज आपके प्रोजेक्ट में एक एडमिट का मॉड्यूल, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में एक एडमिट का मॉड्यूल है, एक कस्टमर का मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा फिर वो पूछेगा कि एडमिन क्या कुछ कर सकता है, एडमिन क्या कुछ कर सकता है। अब इस बात को आपने जहन में रखना है कि जो एडमिन मॉड्यूल की जो अथॉरिटीज होंगी, जो कंट्रोल होगा वो ज़्यादा होगा पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन आपने जस्ट वही बताना है जो आपके प्रोटोटाइप वाइवा तक हो या प्रोटोटाइप में हो। लेट्स सपोज उसके अंदर आप नेम एंटर करती हो, या एडमिन क्या कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल वो एक कस्टमर या एक यूज़र को ऐड कर सकता है, उसका डेटा एडिट कर सकता है या उसको डिलीट कर सकता है, जस्ट दैट्स इट। ये सिंपल आपने ये कह देना है कि मैम ये या सर ये यूज़र को अप्रूव कर सकता है, उसको ऐड कर सकता है या उसको रिमूव कर सकता है, दैट्स इट। आपने ये बताना है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं नॉर्मली, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देन उसके बाद वो आप पूछते हैं जी दिखाओ अपना स्क्रीन शेयर हो रही होती है, आप बता रहे होते हो कि ये चीज़ें मेरे मतलब प्रोजेक्ट में हो रही हैं। और हाँ क्वेश्चन में बताना भूल गया कि वो आपसे पूछते हैं, इसी दौरान वो पूछ लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कौन कौन से टूल्स पर बेस है, या कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं, जो कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है। तो आप बताते हैं कि लेट्स सपोज आपको वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप HTML यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप या CSS यूज़ करते हैं, PHP यूज़ करते हैं, MySQL यूज़ करते हैं, तो वो सारे आपने लैंग्वेजेस बतानी होती हैं। ये सारा कुछ हो जाता है, जब ये सारा कुछ आपका क्लियर हो जाता है, मैक्सिमम वो आपसे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन इतने ही पूछते हैं। अब आ जाते हैं आपकी कोड की साइड पर, आपने प्रेजेंट कर ली फाइल, जो आपका इंटरफेस था वो आपने प्रेजेंट कर दी। अब आ जाते हैं आपकी कोड की फाइल पर कि आपने जो कोड लिखा होता है उसके मतलब उनके क्या क्वेश्चन होते हैं, उनके मतलब वो क्या कुछ पूछते हैं। देखिए सबसे पहले
तो वो आपसे पूछते हैं कि इसकी जो कोड की फाइल दिखाओ, आपके सामने कोड की फाइल ओपन होती है, मैंने आपको कहा है कि उसने उसको आपने पहले ओपन करके रखा है, तो नॉर्मली आपसे पूछ लेते हैं कि ये मतलब आपने PHP कोड लिखा होता है तो पूछ लेते हैं कि PHP कोड में ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि PHP का कोड लिखा होता है उसका क्या मतलब है। अगर किसी ने प्रॉपर तैयारी करनी हो वाइवा की तो मुझसे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैं आपको A to Z जो कोड की क्लासेस हैं, कोड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ मैं आपको मोटे मोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा, वो पूछ लेता है कि आप क्या कहते हैं इस लाइन का मकसद क्या है, ये लाइन क्या कर रही है। फिर नॉर्मली लोग पूछते हैं कि क्या आपने कोई कस्टम कोई कमांड यूज़ की है, तो आप कहते हैं नहीं, जहाँ जो भी बाई डिफ़ॉल्ट वेरिएबल आपने कोई कस्टम वेरिएबल यूज़ किया है या कस्टम को कमांड आपने यूज़ किया, नहीं PHP की जो बाई डिफ़ॉल्ट हैं वही सारी चीज़ें होंगी, आपने कस्टमली कुछ नहीं किया। फिर वो नॉर्मली आपसे कह देता है कि यहाँ मुझे एक नई फील्ड ऐड करके दिखाओ इसके अंदर, तो आपने वो फील्ड ऐड करके दिखानी होती है। नॉर्मली ज़्यादातर नहीं पूछते, लेकिन सिर्फ वो पूछते हैं कि इस लाइन का मकसद क्या है, इस लाइन का मकसद क्या है, ये लाइन क्या कर रही है। वो HTML की भी हो सकती है, वो CSS की भी हो सकती है, वो लेट्स सपोज बूटस्ट्रैप उसकी भी हो सकती है, वो PHP की भी हो सकती है, तो वो ये पूछते हैं आपसे, मतलब ठीक है। नॉर्मली इतने ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और वो इतना बड़ा मतलब नहीं होता कि आप लोग बैठ जाओगे यार पता नहीं क्या होगा, ऐसे कुछ सिनेरियोस नहीं होते। और बाकी जिसने प्रॉपरली क्लासेस लेनी हो, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उसको विजिट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नीचे कमेंट कर दें, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।